I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ, who has given us this day. और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब का अभिवादन करता हूँ, जिसने एक नए दिन को हम सब को दिया. Let us rejoice and be glad in this day. और होने दे हम परमेश्वर ने जो दिन हमें दिया इसमें आनंदित हो जाएं. Because we are living in His presence. क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में जी रहे हैं. So don't do or think anything that will block the presence of God. इसलिए ऐसा कुछ भी सोचे या करे ना जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवनों में रोके. And remember, we are considering these days. और आज के दिनों अगर आपको याद हो, हम इन दिनों में इस बात पर मनन कर रहे हैं. Man's three greatest needs. कि मनुष्य की सबसे बड़ी या सबसे तीन मुख्य जरूरतें या आवश्यकताएं कौन सी हैं? And on Tuesday we considered the first of it. और मंगलवार को हमने पहली उस जरूरत की ओर देखा. There is in man a strong desire to know God. और वो था मनुष्य के अंदर एक बहुत ही मजबूत इच्छा है कि वो परमेश्वर को जाने. And today, what is the greatest need, the second need? और जो दूसरी सबसे मुख्य जरूरत या आवश्यकता है. Now, man has always struggled with the burden of sin. मनुष्य ने हर समय से पाप के बोझ के तले वो परेशान रहा है. You know, when Jesus was born, जब यीशु का जन्म हुआ, the message from the angels were, "Do not be afraid. We bring good news. I bring good news to you." तब स्वर्गदूत इस संदेश को लेकर के आया कि घबराओ मत, क्योंकि मैं एक सुसमाचार को तुम्हारे लिए लाया हूँ. Today in Bethlehem, in the city of David, a child was born. और आज के दिन बैतलहम नगर, जो दाऊद का नगर है, वहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है. The Savior. और जो उद्धार करता है. Amen. Amen. That was the message. और ये वो संदेश था. And that message was not only just for Mary or Joseph or one family. और ये संदेश मरियम के लिए या एक परिवार के लिए नहीं. It was for the whole world. लेकिन ये संदेश पूरे संसार के लिए था. And so whoever you are. और इसलिए आप कोई भी हो. Wherever you are. चाहे कहीं पर भी. And whatever your condition may be. और आपकी परिस्थिति कैसी भी. This Savior is for you. क्योंकि ये उद्धारकर्ता आप ही के लिए. And your people. और आपके लोगों के लिए. Know this. इस बात को जाने. Unto you is born this day a Savior. और आपके लिए आज के दिन एक उद्धारकर्ता जन्मा है. In the city of Bethlehem. और बैतलहम नगर में. What is the simple truth of Christ? और प्रभु यीशु मसीह का वो साधारण सत्य क्या है? God was in Christ. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में था. What was he doing in Christ? और प्रभु यीशु मसीह में वो क्या कर रहा? He was reconciling the world to himself. वो तो संसार को दोबारा अपने संग मेल मिलाप करा रहा था. Simple. और साधारण. And yet the profound truth. लेकिन फिर भी कितना गहन रहस्य क्या और सच. Man's second greatest need. पर मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत. The problem of sin. और वो है पाप की समस्या. And God was in Christ. और परमेश्वर तो यीशु में था. Saving man from his sin. और मनुष्य को उसके पापों से बचाने के लिए. It was not simple job. और ये कोई साधारण कार्य नहीं था. Jesus Christ, the God-Man, paid the supreme cost. और प्रभु यीशु मसीह ने वो सबसे बहुमूल्य दाम चुकाया. By giving his life as a sacrifice. अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में देने के द्वारा. That is the message of Good Friday. और यही संदेश है उस भले शुक्रवार का. Today is Good Friday. और आज के दिन वो भला. All over the world. पूरे विश्व भर में. The message of a Good Friday, namely, Christ came to suffer and be a sacrifice for the sins of mankind, and thus provide salvation. वो संदेश विश्व भर में भले शुक्रवार का यही है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि वो एक बलिदान के रूप में हमारे पापों की क्षमा के लिए चढ़ जाए. Jesus Christ, the God-Man, paid the supreme cost. और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ऊंचा दाम इसके लिए चुकाया. By giving his life as a sacrifice. अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में देने के द्वारा. So his entire life on earth, spanning 33 years, was a single journey. और इसलिए याद रखिए, उसका पूरा जीवन जो 35.5 साल का इस पृथ्वी पर था, वो एक ही यात्रा थी.
From Bethlehem's manger to the cross. और उस बेथलहम नगर की चराहगाह से लेकर के उस क्रूस तक. So you cannot separate Bethlehem from the cross. और इसलिए आप बेथलहम को उस क्रूस से अलग नहीं कर सकते. You cannot talk about Bethlehem without the cross. और आप उस बेथलहम के बारे में बात नहीं कर सकते बिना क्रूस के. Bethlehem to the hill on which the Christ was crucified. और बेथलहम वो जगह, वो पहाड़ी, वो चोटी जहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया. Is one straight road which Jesus took. वो तो एक सीधा रास्ता था जो यीशु ने लिया. And on his journey, और इस यात्रा में, nothing would distract him. कोई भी बात उसे फिरा नहीं सकती. He set his mind on that single act of giving up himself. और उसने तो अपने मन को उसी ओर केंद्रित कर लिया था, इस एक बात की ओर कि कैसे वो अपने आप को बलिदान कर देगा. Giving up himself to be a sacrifice. वो खुद को दे देगा कि एक बलिदान बन जाए. For your sin. आपके पापों के लिए. And give you eternal life. और आपको एक अनंत जीवन देने पाए इसके द्वारा. That is the price. और ये है वो दाम. So here is the answer to your second greatest need. और इसलिए यहाँ पर ये उत्तर है आपकी दूसरी सबसे बड़ी जरूरत का. Because man's salvation depended on his death. क्योंकि मनुष्य का उद्धार उसकी मृत्यु के ऊपर निर्भर था. And on his resurrection. और उसके पुनरुत्थान के ऊपर. And on his triumph. और उसकी विजय के ऊपर. Hallelujah. Hallelujah. We can praise the Lord for the sacrifice of Christ. और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए. Today, और आज के whoever believes in him, जो कोई उस पर विश्वास करे, shall not perish, उसका नाश ना हो, but have everlasting life. उसके पास अनंत जीवन आ जाएगा. Here then is the answer to the burden of sin. और यहाँ पर हम उस पाप के बोझ के प्रति एक उत्तर को देखते हैं. Burdens are lifted up at Calvary. और याद रखिए उन बोझों को उसने उस कालवरी क्रूस पर उठा लिया. At the foot of the cross. और उस क्रूस के तले. Your greatest burden is rolled away. आपका सबसे बड़ा बोझ भी हटा दिया. As you look to the one hanging on the cross. जैसे कि आप एक उसकी ओर देखते हैं जो उस क्रूस पर लटका हुआ है. And that is the meaning of Jesus when he said, "You come and take up your cross and follow me." और यही अर्थ था यीशु का जब उसने कहा, तुम मेरे पीछे चलो अपना क्रूस उठाकर. Jesus was hanging on the cross not for himself. और यीशु उस क्रूस पर अपने लिए नहीं लटका था. It was your place. ये तो आपका स्थान था. Jesus is going through the burden of sin and curses, everything laid upon him on your behalf. और यीशु तो अपने ऊपर हर एक बोझ, हर एक श्राप, हर एक पाप को लिए हुआ था जो आपका था. So remember why it is called Good Friday. और इसलिए याद रखिएगा कि क्यों उसे भला शुक्रवार कहते हैं. God took what seemed to be the darkest and the most difficult circumstance of the cross. कि परमेश्वर ने उस परिस्थिति को ले लिया जो सबसे विनाशक और सबसे भयानक और अंधकारमय थी. And turn it around. और उसे बदल दिया. And made it for man's good. और उस परिस्थिति को मनुष्य की भलाई के लिए पलट दिया. Jesus. यीशु. He came for this purpose. वो इस उद्देश्य के लिए आया. To give us an answer to the problem of the burden of sin. ताकि वो इस पाप के बोझ के प्रति एक उत्तर हमें दे सके. My friends. मेरे मित्रों. You will not find that relief anywhere else. आप इस बात की सद्भावना और आजादी कहीं और. Here is the truth. और यहाँ ये सच्चाई है. God who loved you. परमेश्वर जिसने आपसे प्रेम किया. Himself made this provision for you. और इसने आपके लिए इस बात को मुहैया कराया. A perfect sacrifice. एक सिद्ध बलिदान. When he sent his son Jesus into this world. जब उसने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में. For God so loved the world that he gave his one and only begotten son. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौते पुत्र. Whoever believes in him, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, should not perish but have everlasting life. लेकिन उसे अनंत जीवन. Here is the truth. और यहाँ पर ये सच्चाई है. You have no other place on planet Earth where you can find salvation and forgiveness of sin and eternal life. कि पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं जहाँ पर आप अपने उद्धार या मोक्ष को पा सकते हैं. You will walk and walk and walk. और आप सिर्फ चलते और चलते और चलते रहें. Run and run and run. और आप दौड़ते और दौड़ते रह जाए. You get exhausted. और आप
थक जाएंगे. But you will not find the answer. लेकिन आपको उत्तर नहीं प्राप्त होगा. Because you are ignoring the one and only answer that God Himself has provided. क्योंकि आप उस उत्तर जो परमेश्वर ने आपको एकमात्र उत्तर दिया उसके प्रति विरोध. Jesus Christ. जो है यीशु मसीह. The Lamb of God. जो परमेश्वर का मेमना है. Who took upon Himself your sin and curses. And your judgment. जिसने आपके न्याय को, आपके दोषों को, आपके पापों और बंधनों को अपने ऊपर. To set you free. ताकि आपको आजाद कर सके. Come to Him. उसके पास आ जाए. Run to Him. उसके लिए दौड़े. Place your life in His hand. और अपने जीवन को उसे समर्पित करें. And acknowledge Him as your Lord and Savior. और उसे अपना प्रभु और परमेश्वर के रूप में. This is the answer to this problem. और इस समस्या के प्रति. Burden of sin. जो पाप का बोझ है. Lifted up at Calvary. उसको क्रूस के उस कैलवरी क्रूस पर उठा. The Lord bless you as you make your choice. परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप अपने चुनाव को. Our Lord and our God. हमारे परमेश्वर और हमारे प्रभु. Jesus Christ. यीशु मसीह. Thank you. धन्यवाद. For coming into this world to be our mediator between God and Him, us. धन्यवाद पिता कि तू एक मध्यस्थता को करने के लिए इस संसार में हमारे और पिता परमेश्वर के बीच में. ग्रांट योर पीपल ग्रेस टू रिपेंट एंड कम टू यू इन ह्यूमिलिटी. और अपने लोगों को तू अनुग्रह दे ताकि वो मन फिराए और दीनता के साथ. एंड एक्नॉलेज यू एज लॉर्ड एंड गॉड. और तुझे परमेश्वर और प्रभु के रूप में स्वीकार. थैंक यू. धन्यवाद. इन जीसस नेम. यीशु के नाम में. आमेन. आमेन. This is a great day. और एक महान दिन है. Remember. याद रखिए. Tomorrow is Good Friday. और कल भला शुक्रवार है. Meditate on Him. इस पर मनन करें. Attend the services. सभा में भाग लें. Listen to the message. वचन को सुने. Read the Word of God. और परमेश्वर के वचन को पढ़ें. And get enriched. और उससे समृद्ध हो जाएं. Be blessed. और आशीषित हो जाएं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen.